उत्तर प्रदेश में लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहा है, हत्या हो रही है, घर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन सिर्फ मुख दर्शक बना हुआ है, जिसे लेकर पिछड़ा वर्ग अनुसूचित बिरादरी के लोगों में खासी नाराजगी है। अत्याचार बंद हो, इसी को लेकर के आज पैंथर समाज के अध्यक्ष धनीराव बौद्ध ने आज कानपुर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना दिया और नाराजगी जताते हुए राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन डीएम को सौंपा। इसमें मांग की गई है कि दलितों पर होने वाले अत्याचार को रोका जा सके। इस समय पूरे प्रदेश और पूरे देश में बर्बर अत्याचार हो रहा है, दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म अत्याचार की बाढ़ है। आजमगढ़ में मुन्ना पासी के घर को तोड़ा गया, डीएम और एसपी वहां देखते रहे और उनके संरक्षण में मुन्ना पासी का घर तोड़ा गया, उसके एक एक बर्तन तोड़े गए, एक एक सामान तोड़ा गया। और चंदौली में गुंडागर्दी की ये हद है कि चंदौली में गुंडों लोगों ने घर जला दिया गया, पहले मारा फिर उसका घर जलाया गया। मध्य प्रदेश में पांच पांच दलितों की हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद उनको गाड़ दिया गया। इतना ही नहीं, आप पूरे और हमीरपुर में, लखीमपुर में एक नारी की साड़ी खींची जा रही थी और पूरा प्रशासन और शासन मूर्ख दर्शक ऐसा बना देखता रहा। मेरी डिमांड है कि ये दलितों पर, पिछड़ों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अगर इसको रोका न गया तो पूरे देश में आंदोलन होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।